नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां शुक्रवार की देर शाम एक सिपाही ने घरेलू कलह के चलते अवैध पिस्टल से अपनी ही पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर कृष्णा नगर पुलिस पहुंची और खून से लथपथ दोनों शवों को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया और पति को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर पहुंचते ही पति की भी सांसें थम गई। आइए पूरा मामला क्या है दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की इस खास रिपोर्ट में। दिल दहला देने वाली ये घटना कृष्णानगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित हसनापुर में शुक्रवार की शाम 7:30 बजे घटित हुई। मूल रूप से लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्ली पश्चिमी निवासी 35 वर्षीय सिपाही सर्वेश रावत ने 30 वर्षीय पत्नी मीरा के मायके हसनापुर में घर की पहली मंजिल पर .32 बोर अवैध पिस्टल से पत्नी के सिर में गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली। पत्नी मीरा ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि पति सर्वेश की मौत ट्रामा सेंटर में हुई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही कृष्णा नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रद्युमन सिंह ने पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पहुंचकर घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। इस बड़ी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर DCP साउथ केशव कुमार सहित ACP कृष्णानगर विनय कुमार द्विवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साथ ही साथ परिवार वालों से पूछताछ की। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। बता दें कि PGI थाना क्षेत्र के कल्ली पश्चिम निवासी 35 वर्षीय सर्वेश रावत पुत्र हरिद्वार उत्तर प्रदेश पुलिस में 2011 बैच का सिपाही था। मौके पर वो कानपुर के बिठूर थाने में तैनात था। इन दिनों उसकी ड्यूटी कल्याणपुर ACP की सुरक्षा में थी। वो आवश्यक कार्य बात कर 4 दिन की छुट्टी लेकर लखनऊ आया था। सर्वेश रावत की शादी साल 2019 में कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर हसनापुर निवासी रिटायर्ड रेलवे कर्मी चंद्रिका प्रसाद की 30 वर्षीय बेटी मीरा से हुई थी। चंद्रिका प्रसाद की 3 बेटियां व 2 बेटे हैं। मीरा लखनऊ GPO में क्लर्क थी। उनकी लगभग 8 माह की बेटी है। मीरा कल्ली पश्चिम स्थित ससुराल से प्रतिदिन दफ्तर जाते समय अपनी बेटी को मां के पास हसनापुर छोड़ जाती थी। इसी क्रम में शुक्रवार को वो दफ्तर से आने के बाद बेटी को लेकर ससुराल चली गई थी और लगभग 7 बजे मीरा अपनी बेटी और पति सर्वेश के साथ पुनः मायके आई और इसके बाद मीरा और सर्वेश दोनों में पहली मंजिल पर बने कमरे में दोनों चले गए, जहां किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और सर्वेश ने पिस्टल निकालकर पत्नी मीरा के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद कनपटी पर पिस्टल से गोली मार ली। बताया जा रहा है कि शादी के 1 साल बाद पति पत्नी के बीच पारिवारिक कलह उत्पन्न हो गया था और आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। साल 2020 में झगड़ा और मारपीट की शिकायत मीरा ने PGI थाने में पति के खिलाफ की थी, लेकिन दोनों में समझौता हो गया था। DCP साउथ केशव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना के पीछे पति पत्नी के बीच मनमुटाव और पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। ये घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल और 2 खोखे जांच हेतु फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतक सिपाही के माता पिता अपने दूसरे बेटे के पास हरिद्वार गए थे। इस घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है और हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध है। थाना क्षेत्र कृष्णानगर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार एक महिला जिनका नाम मीरा है, इनको इनके पति जिनका नाम सर्वेश है, उनके द्वारा गोली मारी गई। इसके पश्चात सर्वेश ने खुद को भी गोली मार ली है। दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों के शव को मॉर्चरी भिजवाया गया है। इस पूरे प्रकरण की सभी बिंदुओं से गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भैया आपकी ही बिटिया थी? हाँ। कैसे क्या हुआ? अरे भैया गाड़ी पर ते आए हिया और हिया तो उतारे नहीं, उतार दे, हम बिटिया के लई ली है, बिटिया के लई ली है ना,
हमका ये रक्षाबंधन कहाँ है दोनों जने आ जाए थे आज जो ये भैया है उनका रक्षाबंधन कल्ली में और बस यहाँ ये का भैया कुर्सी बैठ रहा है बस गए दोबारा तो कहीं अपने पापा को बुलावे गए वही है लिए गए वही है कोई बात नहीं और बस यहाँ लुकाए रहा है मैं से ठहर रही बिटिया के बस ऐसे मार दी से हम कही की कहा ये मार दे हम कही ऐसे धोखे से मार दी से हम जने नहीं पान भैया हम कही की के लगे ऐसे खड़ा हो मीरा के पास और बस मार दी खुद के ऊपर मार ली जाए खुद के मार हाँ हुआ ते आए और हम कही रक्षाबंधन कहा है मीरा हमसे कही सब मकान चल रहा था दोनों के बीच में हम नहीं जानी तो लड़ाई है लौंडिया रोज राखी तो ड्यूटी जात बाबू है जीपीओ में बाबू हाँ ड्यूटी जाती है जीपीएम बिटिया हमारी है ये कहाँ पोस्ट है ये का कानपुर में है कानपुर में है पता नहीं कहाँ पर यहाँ है बच्चा ये का नहीं जानी थी है और बस गवा ऊपर अपने मार ली जाए पता नहीं कैसे कहा बाबा यहाँ लेके हम कही त्योहार कहाँ है दोनों जने और हम बैठी रहा निकल लेने चिल्लाते हमरे है लगे रात दिन भरे नाम क्या आपका हमारा नाम सूर सती फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।